हेलो दोस्तों, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेरी सर्कल। मेरी सर्कल में हमेशा हमारी पहल होती है कि हम ऐसे अवेयरनेस सीरीज आप तक लाइव लेकर आए जिनसे आप तरह तरह की बीमारियों के बारे में एमिनेंट और एक्सपीरियंस डॉक्टर से ज्यादा जानकारी ले सकें। कई बार कई सारे सवाल होते हैं जो हमारे मन में होते हैं, जो अपने डॉक्टर से पूछना चाहते हैं। वही सवाल, इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज डॉक्टर कौस्तुभ से हम जानना चाहेंगे हमारे एड्स अवेयरनेस सीरीज में। डॉक्टर कौस्तुभ भूरे एक आयुर्वेदा फिजिशियन और सेक्सोलॉजिस्ट हैं, जो करंटली श्री आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा चिकित्सालय थाने में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले 17 सालों से उन्होंने एज आयुर्वेदा फिजिशियन काम किया है। मेरी सर्कल में आपका स्वागत है डॉक्टर कौस्तुभ। हेलो। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एचआईवी एड्स के सिम्टम्स क्या हैं। एड्स और एचआईवी के मैंने ऐसे पर्सनल उसके कोई सिम्टम्स नहीं है देखे जाते हैं। नॉर्मली बहुत बार पेशेंट जब एचआईवी से कॉन्टेमिनेट हो जाता है या इन्फेक्टेड हो जाता है, उसके बाद भी उसको एड्स होने में या उसके सिम्टम्स आने में बहुत टाइम जाता है। नॉर्मली अगर पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है और उसे अगर एड्स हो गया है तो नॉर्मली कोई जख्म ना भरना या फिर रिकरेंट बार बार पेशेंट को कोई इन्फेक्शन होना, अनड्यू वेट लॉस होना। इन्फेक्शन में कॉमनली इंडिया में देखा जाता है हर्पिस इन्फेक्शन, नागिन कहा जाता है वो, या फिर ट्यूबरक्लोसिस, ये कॉमनली इन्फेक्शन होते रहते हैं। और छोटे मोटे भी पेशेंट्स को रेगुलर सर्दी खांसी जैसे इन्फेक्शन होते हैं और वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो ऐसे अगर किसी में अपने को लक्षण दिखते हैं कि कोई पेशेंट बार बार बीमार हो रहा है जिसमें मोर देन 10% ऑफ हिज बॉडी वेट वेट लॉस हो रहा है और उसके इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग ट्रिपल एच मतलब वायरल मार्कर्स जो है उसके लिए हम लोग पेशेंट को एग्जामिन करते हैं और फिर उसमें एचआईवी पॉजिटिव आ जाता है पेशेंट, तब अपने को मालूम पड़ता है कि हाँ भाई पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है। और फिर उसके बाकी के इन्फेक्शन के बाकी के जो मार्कर्स है CD4 काउंट वगैरह वो देख के फिर वो उसको एड्स पूरी तरह से हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका प्रोग्नोसिस क्या है, वो आगे फिर डिसाइड किया जाता है। तो आयुर्वेदिक इलाज एचआईवी में कितना इफेक्टिव है और कितने हद तक ये एचआईवी को कंट्रोल कर सकता है? यस, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है वो एचआईवी में अच्छी तरह से इफेक्टिव है। वो पेशेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्पैन जो है वो बढ़ाता है, रिकरेंट इन्फेक्शन जो पेशेंट को होते हैं वो होने के चांसेस बहुत कम कर देता है। आयुर्वेद सिर्फ दवा बीमारी ठीक करने के लिए ही नहीं बना है, मतलब उसका जो मोटिव है वो मोटिव में लिखा गया है कि पेशेंट बेसिकली बीमार ना पड़े, उसके लिए कोई लाइफ स्टाइल चेंजेस होते हैं वो भी आयुर्वेद में पहले से ही बताए गए हैं। तो एज अ सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, एज अ कंप्लीट लाइफ स्टाइल अगर हम लोग आयुर्वेद को अपनाएंगे तो डेफिनेटली एचआईवी में उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। विथ रेट्रोवायरल थेरेपी भी फायदा होगा और विदाउट रेट्रोवायरल थेरेपी भी सिर्फ आयुर्वेद का बहुत अच्छी तरह से फायदा। डॉक्टर कौस्तुभ, हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं या दवाइयां हैं जो एचआईवी के इन्फेक्टेड पेशेंट्स की कंडीशंस में सुधार लाने में मदद करती है। आयुर्वेद में नॉर्मली ना ऐसे पेशेंट्स में मेडिसिन तो डेफिनेटली फायदेमंद होते ही है। नॉर्मली मेरे यहाँ पे मैं नॉर्मली अमृत कलश करके महर्षि आयुर्वेद का एक मेडिसिन है वो बहुत अच्छी तरह से यूज करता हूँ। दूसरा है बहुत सारे सुवर्ण कल्प है जो रसकल्प बताए गए हैं आयुर्वेद में, मतलब जैसे जैसे 17-18वीं सदी में आयुर्वेद जब प्रोपोगेट होते गया तो मेटल्स यूज होने लगे आयुर्वेद में, जिन दवाइयों में मेटल्स यूज होते हैं उनको रसकल्प कहते हैं। तो ऐसे सुवर्ण कल्प है जिसमें अभ्रक है, रौप्य है, सुवर्ण है, इन कल्पों का अगर हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे पेशेंट में तो उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। हीरक भस्म का भी ऐसे कंडीशंस में बहुत अच्छा फायदा देखा गया है। सिंपल च्यवनप्राश भी पेशेंट रेगुलर लेता है तो भी उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। तो ऐसी दवाइयां हैं जिसका बहुत अच्छी तरह से फायदा होता है। ऊपर ऊपर की मैंने दवाइयां बताई लेकिन अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे जाएंगे तो एक रसायन चिकित्सा करके आयुर्वेद में बोला गया है। रसायन चिकित्सा मतलब वो चिकित्सा जो पेशेंट की जो बढ़ती एज है उसको रोकता है, वैसे ही बीमारियों को रोकता है और पेशेंट की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ाता है, उसे रसायन चिकित्सा कहते हैं। वो हजारों सालों से आयुर्वेद में प्रैक्टिस होती आई है।
रूटीन कोई चीजें हैं, जैसे हम लोगों ने कितने बजे उठना चाहिए, उठने के बाद पेशेंट ने क्या करना चाहिए, फॉर हिज पर्सनल हाइजीन उसने क्या करना चाहिए। टिपिकल अपने यहाँ पे इंडिया में जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं ऋतु के अनुसार, मतलब बरसात में अलग मौसम रहता है, ठंडी में अलग मौसम रहता है, गर्मी में अलग मौसम रहता है, तो ये टिपिकल मौसम में आदमी ने खाने में कैसे चेंजेस करने चाहिए, ये टिपिकल मौसम में आदमी ने रहते वक्त, घूमते फिरते वक्त तो अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए, वो सब अगर आदमी अच्छी तरह से फॉलो करता है तो उसे आचार रसायन कहते हैं। मतलब ये आचार रसायन मतलब हम लोगों ने जिंदगी में कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये करने से भी बहुत सारी बीमारियां आदमी को नहीं होती है, और होती भी है तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। तो ये हो गया क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वैसे ही रोज आदमी ने क्या खाना खाना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, किस वक्त पे खाना खाना चाहिए, ये भी अगर फॉलो करेंगे तो उसका भी रसायन में फायदा होता है। और टिपिकल रसायन की दवाइयां हैं जैसे अश्वगंधा हो गया, बला हो गया, गोपशूर हो गया, जटावंशी है, हल्दी है, खाने में विडंग है, ये सब चीजें अगर रेगुलर पेशेंट करता है तो उससे भी बहुत अच्छी तरह से पेशेंट एचआईवी के पेशेंट को फायदा होता है। तीसरी चीज जो आयुर्वेद में बताई गई है वो है पंचकर्मा, दीज आर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर। एचआईवी के पेशेंट में हमें पंचकर्मा बहुत संभाल के करना पड़ता है, मेंटेन बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन, ताकि दूसरे पेशेंट को या डॉक्टर को खुद को एचआईवी कॉन्टेमिनेशन ना हो, तो वो संभाल के अगर हम लोग पंचकर्म करेंगे कि शरीर में जो पहले से गंदगी है वो निकल जाएगी, तो शरीर का कार्य व्यापार बहुत अच्छी तरह से चलेगा। इन सब चीजों को अगर हम लोग साथ में, पेशेंट की प्रकृति कैसी है, पेशेंट के शरीर में अभी एचआईवी एड्स का इन्फेक्शन कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, या उसको कोई दूसरा कोमॉर्बिडिटी हो गई है क्या, ये सब सोच के उसकी अच्छी तरह से केस टेकिंग लेके फिर अगर पेशेंट को सारी चीजें या एक एक दो चीजें इसमें से भी अगर उसके लाइफ में हम लोग इंकॉर्पोरेट कर पाए तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी बढ़ती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की बहुत अच्छी होती है। सिर्फ पेशेंट के लाइफ में ईयर्स ऐड करने से फायदा नहीं होता है, जो ईयर्स ऐड होने वाले हैं वो भी क्वालिटी ईयर्स होने चाहिए, तो पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी हो और पेशेंट की लाइफ क्वालिटी भी अच्छी हो, इसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का एचआईवी में बहुत अच्छी तरह से फायदा हो। डॉक्टर, क्या आप बताएंगे कि एक इफेक्टिव आयुर्वेदिक रेमेडी क्या है जो एचआईवी के इलाज के लिए एज अ ट्रीटमेंट यूज किया जाता है? आयुर्वेदिक रेमेडीज जो यूज होंगे वो अभी अभी जो मैंने बताया कि जैसे हम लोग पंचकर्मा है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, रसायन चिकित्सा है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये यूज कर सकते हैं, और रूटीन पेशेंट को एक्सरसाइजेस, योगिक एक्सरसाइजेस पेशेंट को बोल सकते हैं। इसमें कोई दवाइयां अगर हम लोग स्पेसिफिकली बताना चाहेंगे तो महर्षि आयुर्वेद का अमृत कलश बहुत अच्छा है, बहुत सारी कंपनियां जो है वो अच्छे अच्छे च्यवनप्राश तैयार करती है, वो भी अगर आप रेगुलर लेंगे तो उसका बहुत अच्छी तरह से फायदा होगा। और सुवर्ण कल्प में सुवर्ण मालिनी वसंत नाम का एक कल्प है जो बहुत अच्छी तरह से फायदा होता है। अगर पेशेंट को इसके साथ कोई दूसरा इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन के हिसाब से उसकी अलग से ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। कॉमनली ट्यूबरक्लोसिस देखा जाता है, तो ट्यूबरक्लोसिस में महालक्ष्मी विलास सरस राजयक्ष्मा करके एक कल्प आता है, दवाई आती है, वो भी ऐसे पेशेंट में बहुत अच्छी तरह से फायदेमंद होती है। लेकिन अगर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को कुछ दवाई लेनी है तो च्यवनप्राश पेशेंट रेगुलर ले सकता है, उसका डेफिनेटली उस पेशेंट को फायदा होगा। च्यवनप्राश में भी आजकल सुवर्ण युक्त च्यवनप्राश भी आते हैं, जैसे सोना चांदी च्यवनप्राश हो गया, या धूपापेश्वर का स्वामला करके एक कंपाउंड है वो मिलता है, ऐसे कंपाउंड भी आप यूज कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छी तरह से फायदा देखा जाता है। क्या एचआईवी एड्स पूरी तरह से क्योर हो सकता है? अगर ये पूरी तरह से क्योरेबल है तो कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए अपने मेडिकेशन के दौरान सो दैट कि पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो सके? एचआईवी फुल्ली क्योर आयुर्वेद में हो गया है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस अभी मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा, या हो भी रहा होगा तो भी अभी तक कोई ऐसा फुल प्रूफ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं आया है। क्योंकि नॉर्मली कैसे देखा जाता है कि पेशेंट जो है वो सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं लेता है, पेशेंट ऑलरेडी एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी पे होता ही है, और साइमल्टेनियसली पेशेंट और भी कुछ आयुर्वेद में हो सकता है क्या, ये देखने के लिए हमारे पास आता है। तो सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक हो गया ऐसा किसी इंस्टीट्यूट को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट करके और वो एविडेंस दुनिया के सामने लाना चाहिए, जो अभी तक मेरे मतलब ज्ञान में नहीं है कि किसी ने ऐसा लेके आए हैं। तो अभी 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 हम लोग इस सवाल का ऐसा 100% फुल प्रूफ जवाब नहीं दे सकते कि भाई हाँ इतने पेशेंट देखे गए उसमें से इतने ठीक हो गए,
ऐसा कोई एस्टेब्लिश्ड एविडेंस अपने पास अभी है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो हम लोग इतने सालों से करते आए हैं उसके बलबूते पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि डेफिनेटली आयुर्वेदिक रसायन चिकित्सा का एचआईवी में बहुत अच्छी तरह से फायदा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर कौस्तु कि आप मेडिसर्कल पे आए और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू।